हेलो नांदेड़ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की खबर। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। शहर के देगलुर नाका परिसर में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। नांदेड़ शहर के देगलुर नाका परिसर में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जानकारी के अनुसार देगलुर नाका परिसर के मिल्लत नगर निवासी मोहम्मद शफी नामी शख्स को फांसी के फंदे पर लटकता देख परिसर के लोग हैरान रह गए। जानकारी के अनुसार मोहम्मद शफी मिल्लत नगर में अपनी एक ऑटो पार्ट्स की दुकान चलाया करते थे। रोज की तरह वो अपनी दुकान गए थे, लेकिन उनकी दुकान का लगभग आधा शटर बंद दिखाई दे रहा था। आसपास के नौजवानों को शक होने पर उन्होंने जा देखा तो मोहम्मद शफी फांसी के फंदे पर लटके हुए नजर आ रहे थे। मोहम्मद शफी को फांसी के फंदे पर लटकता देख सारे मोहल्ले में खलबली मच गई। इस बात की जानकारी ग्रामीण पीएस को दी गई। ग्रामीण पीएस के अधिकारी और कर्मचारी घटना स्थल पहुंचे और वहां का जायजा लिया। डेड बॉडी को नांदेड़ शहर के सिविल अस्पताल रवाना किया गया। मोहम्मद शफी ने खुद को फांसी लगाई या फिर मामला कुछ और? ग्रामीण पुलिस इस मामले में जांच कर रही है।